unites.com, redefining Bollywood. देखिए ये जो दुनिया जो आज भौतिकता की तरफ इतने तेजी से भाग रही है, वहाँ इसे अगर अंग्रेजी में कहें तो इट्स बिकमिंग अ हार्टलेस वर्ल्ड, एक बेदिल की दुनिया हो गई है, जिसके दिल की जगह शायद क्रेडिट कार्ड्स आ गए हैं या एटीएम मशीन्स आ गए हैं, जहाँ पैसों के बगैर किसी चीज़ की बात नहीं होती। उस और एक बेदिल होना वो होता है जब दिल की बीमारी हो और कोई रास्ता ना हो आपकी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही हो, तो वो भी एक बेदिली की अवस्था है। ये दोनों ही अवस्थाएं फिल्म में हैं, कोई सोच से, दिल से हार्टलेस है, और कोई वाकई हार्टलेस है। कहानी बहुत भावनात्मक है, बहुत जज्बाती है। नहीं, वो उनकी आयुष की याद में ये फिल्म है, आयुष की कहानी नहीं है, क्योंकि मैं उस पन्ने को पलटना नहीं चाहता, वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है और वो सिर्फ मेरा दुख है और उसे कोई समझ नहीं पाएगा। लेकिन उनकी याद में जो उन्हें हुआ था, और अलका ने एक बहुत भावनात्मक बात की थी उस वक्त जब वो जा रहा था, कि डॉक्टर को कहा था कि क्या मैं इसे अपना दिल दे सकती हूँ और इसे बचा सकती हूँ। मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया था, स्टंड हो गया था कि माँ अपने बच्चे को इस हद तक प्यार कर सकती है, और सिर्फ माँ ही कर सकती है। सिर्फ माँ ही कभी नहीं एक सवाल करेगी, अगर माँ से पूछें आपको आपका दिल चाहिए तो निकाल के दे देगी। और वही कहानी जो मैं पहले भी सुना चुका हूँ यहाँ और अब भी फिर सुना रहा हूँ, कि एक लड़के को जब एक लड़की से बहुत प्यार था और लड़की को ऐसा लगता था वो माँ से भी लड़का बहुत प्यार करता था, उसे जलन होती थी। एक दिन उसने कहा कि अगर मुझसे प्यार करते हो तो साबित करो। लड़के ने कहा कैसे, तो उसने कहा कि तुम अपनी माँ का दिल ला के दे। लड़का गया, अपनी माँ का दिल उससे मांगा, माँ ने बगैर पूछे, क्योंकि बेटे ने मांगा, निकाल के दे दिया। और लड़का जब अपनी माँ की तरफ, अपनी महबूबा की तरफ दौड़ रहा था अपनी माँ का दिल लेके, तो उसे ठोकर लगी, वो ज़मीन पर गिरा और माँ के दिल से आवाज़ आई, बेटा कहीं चोट तो नहीं आई। वो कहानी इतनी इमोशनल थी, मेरे दिल में रह गई, और मैं चाहता था कि उस फिल्म का वो ये कहानी फिल्म का हिस्सा ज़रूर बने, भले एक दिन के लिए लाए, लेकिन लाए ज़रूर। और मैं ऐसा समझ के चल रहा हूँ कि ये फिल्म देख के बहुत सारे बेटे जो गलत रास्ते पे चले गए, या जिन्होंने माँ की बात नहीं मानी, या उस रिश्ते को समझ नहीं पाए, वो जानेंगे कि माँ की अहमियत ज़िंदगी में क्या है। कार तो देखिए भावुक होता ही है, उसकी ज़िंदगी में इतनी उथल पुथल हमेशा होती है, कि बरबस जब इतना वो भरा हुआ रहता है कि कभी कभी अचानक ऐसा कोई एक क्षण आता है, ऐसा पल आता है जब वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, और वो सारा उबाल, वो सारी भड़ास जो है, वो चाहे वो कैमरा हो या वो अकेले तना कमरे में हो, वो बात निकल आती है। वो बहुत भावुक बेटा है वो, और मुझे बहुत फख्र है कि अब आज का ये लड़का लगता भी नहीं है, जो घर में रहता है, जो पार्टी नहीं करता, जो शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, जो लड़कियों के साथ फेसबुक पे या ट्विटर पे नहीं लगा रहता, अपने काम में मन लगाता है, उनके हैं गर्लफ्रेंड्स हैं, एक आध हैं जो जिनके साथ वो बात करता है, लेकिन अमूमन जैसा लड़का करते हैं वैसा नहीं करता, और बहुत इमोशनल है, और मेरा और अलका का बहुत ख्याल रखता है। मुझे मालूम है जब पहली फिल्म इसने की थी राज, अपने सारे पैसे से हम सब के लिए घड़ी, कपड़े, जूते, ये वो, और उठाया जगाया उन्होंने कि, और मैं बहुत रोया था उस दिन, और आयुष को भी बहुत मिस किया था। मैंने कहा कि आजकल ऐसे लड़के कम मिलते हैं, और जब भी इसने फिल्म की हमेशा सारा पैसा उठा के या तो हमें गरीबों को दे दिया इसने। तो मैंने कहा देखो, अगर तुम में सच्चाई है और असफलता से कभी मत डरना, असफलता तो सबकी ज़िंदगी में आती है, किसकी ज़िंदगी में नहीं आई। मैंने कहा बच्चन साहब को देखो, इतनी परेशानियाँ, इतनी दिक्कतें, इतनी तोहमतों के बाद अगर वो हैं तो हम सबके लिए मिसाल हैं, और एक दूसरे से हम लोगों को प्रेरित होने की ज़रूरत है। इससे निराश मत हो, तुम्हारी किस्मत में बड़ा है, तुम ईमानदारी से काम करोगे तो सफलता तुम्हें ज़रूर हासिल होगी। आज वो उबाल, वो अपने आप को इसलिए रोक नहीं पाया क्योंकि उसने 3 साल से उसने कहा था कि बस मुझे हार्टलेस ही करना और मुझे कोई फिल्म नहीं करनी है, मैं इसका इंतजार करूंगा। तो आज वो दिन, मैं हमेशा कहता हूं मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, दिन चाहे कोई भी आपने ख्वाब जिस दिन का भी देखा हो, वो एक दिन आता है कि वो दिन आपके सामने रहता है, और फिर आप उसके लिए तैयार नहीं रहते, या इतना तैयार रहते हैं आपको समझ में नहीं आता है कि उसको कैसे संभालें। तो आज इसके लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज उसकी फिल्म पहली बार लोगों ने देखी, पसंद की, तारीफ की, उसके पोस्टर्स की तारीफ हुई, उसके काम की तारीफ हुई, लोगों ने उसके बारे में इतना कुछ अच्छा अच्छा कहा। मेरे ख्याल से वो बहुत बेचारा इमोशनल हो गया, पर ठीक है, ये जिंदगी है, यहाँ हंसना और कभी रोना तो लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड।